जय श्री राम टू वन एंड ऑल. वेलकम टू स्टडी अड्डा. वी आर टॉकिंग अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन. ओके, एंड वी हैव स्टडीड अबाउट दिस वन. काफ़ी कुछ हमारा हो भी चुका है. आई हैव टोल्ड यू अबाउट मेम्ब्रेन. मेम्ब्रेन के बारे में आपको मैंने सब कुछ बता दिया था. यस, आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम हियर. यस, हियर आई वॉज टेलिंग यू अबाउट एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. यू कैन सी हियर, दिस इज द प्लांट सेल. प्लांट सेल और एनिमल्स, एनिमल सेल, इन दोनों के बीच में ना कोई डिफरेंस बताया था. दिस इज द सेल ऑफ ऑनियन. इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल प्लांट सेल. प्लांट सेल हैज़ सेल वॉल. इसमें क्या होती है, सेल वॉल होती है. वन मिनट. इट हैज़ सेल वॉल. इसमें क्या होती है, सेल वॉल होती है. बट इन एनिमल सेल, सेल वॉल कैन नॉट बी सीन. और दोनों के बीच में डिफरेंस के साथ मैंने आपको इसका रीज़न भी बताया था. देर इज़ अ क्वेश्चन ऑल्सो, वाई सेल वॉल इज प्रजेंट या इज़ फाउंड इन ओनली प्लांट सेल, नॉट इन एनिमल सेल. तो यहाँ आपको रिप्लाई करना होगा इसके लिए, बिकॉज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड फ्रॉम हाई स्पीड विंड, दीज आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, नॉट इन एनिमल सेल. क्योंकि ऑलरेडी एनिमल सेल्स जो हैं वो तो स्किन के थ्रू प्रोटेक्टेड हैं, सो नो रिक्वायरमेंट टू फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दीज सेल्स. क्लियर. एक और बात आपको ध्यान रखना है इसमें, प्लांट सेल्स जो होती हैं वो हमेशा एक अलग अलग शेप्स में मिलती हैं हमें, या तो स्क्वायर होगा, हेक्सागोनल होगा. बट एनिमल सेल्स, दीज आर ऑलवेज सर्क्यूलर. जो एनिमल सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, सर्क्यूलर शेप्ड होती हैं. वन मोर थिंग, एनिमल सेल्स जो होती हैं इनमें आप देखिएगा, न्यूक्लियस आपको सेंटर में नज़र आ रहा है. दिस इज़ द न्यूक्लियस. सो इट इज़ फाउंड इन द सेंटर ऑफ द सेल. बट इन प्लांट सेल कैन यू सी कि ये एक साइड में होता है, बिल्कुल सेंटर में नहीं होता है. अब ये पूरी एक सेल है, सो इन अ कॉर्नर यू कैन सी, यानी कि एक साइड में ये पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल में ये सेंटर में होता है. ये सब एक एक करके मैं आपको डिफरेंस बता रही हूँ इनके, बिकॉज इन द लास्ट वी विल रीड डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. तो वन बाई वन हम यही सीखते चले जाते हैं, ताकि आगे हमको एक साथ रटना नहीं पड़ेगा, हम समझ चुके होंगे चीज़ों को सारी. क्लियर. सो हियर आई वॉज टेलिंग यू अबाउट दिस वन. उसके बाद यस, मैं आपको बता रही थी इसी एनिमल सेल के बारे में, कि सेल जो होती है, एक सेल में क्या क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस. ये तीन चीज़ें जो होती हैं वो सबसे मेन होती है, जो कि हर तरह की सेल्स में पाई जाती हैं, चाहे वो एनिमल सेल हो, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे वो बैक्टीरिया की सेल हो, एनी काइंड ऑफ सेल, हर तरह की सेल में ये तीन चीज़ें आपको मिलेगी ही मिलेगी. अब जैसे कि सेल वॉल, सेल वॉल केवल किस में है, प्लांट में है, वो एनिमल में, बैक्टीरिया में, इनमें नहीं होती है. तो ये मेन पार्ट होता है इसका. सेकेंड थिंग व्हाट आई टोल्ड यू, सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है, इट इज़ सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू ये जो न्यूक्लियस होता है, इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म. यानी कि इसी मेम्ब्रेन की वजह से चारों ओर का साइटोप्लाज्म जो होता है वो न्यूक्लियस से बिल्कुल अलग होता है. नेक्स्ट थिंग, साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या फिर न्यूक्लियस यू कैन से डायरेक्टली, इन दोनों के बीच में पाया जाता है. और ये जो साइटोप्लाज्म होता है, इसमें आपको डॉट्स नज़र आ रहे होंगे अंदर, ये सारे ऑर्गेनेल्स को शो करता है जो कि इन साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं. ओके, इसमें जो न्यूक्लियस होता है ना, वो इसका सबसे मेन पार्ट होता है, जो कि सेल के पूरे फंक्शन को कंट्रोल करता है. इफ़ यू टॉक अबाउट आवर बॉडी, तो जिस तरह से हमारी बॉडी का जो ब्रेन पार्ट है वो हमारी सारी बॉडी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल में रखता है ना, सेम यानी कि सेल का जो ब्रेन होता है वो कौन होता है, इसका न्यूक्लियस, जो कि सारी सेल्स की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल में रखने का काम करता है. टेक अ क्लीन टूथपिक, यहाँ पर एक्टिविटी बताई गई है, आपको एक टूथपिक लेना है. टूथपिक समझते हो ना, जिससे हम दांतों को साफ करते हैं, या फिर जब आप वाटर मेलन खाते हो तो
तो टूथपिक के थ्रू आप उसको ईटिंग करते हो, ठीक है। और मैचिस स्टिक यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, माचिस की तीली तो घर में है, वही ले लेना। विद ए टिप ब्रोकन, उसकी टिप को आपको तोड़ देना है, उसका कुछ काम नहीं है। स्क्रेप इनसाइड ऑफ योर चिक विदाउट हर्टिंग इट। आपको क्या करना है, उस टूथपिक या मैचिस स्टिक को लेकर के जो भी चिक, यानी कि जो छोटा सा जो हैन होता है, उसका जो बेबी होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, चिक, उसकी स्किन पर आपको हल्का सा रबिंग करना है। आपको हर्टिंग नहीं करना है उसको, आपको उसमें क्या करना है, हल्का सा उसको स्क्रैपिंग करना है, उसकी स्किन पर रबिंग करना है इनसाइड अंदर की ओर। एंड प्लेस इट इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर। उसके बाद जिस एरिया से, जिस पोर्शन से आपने मैजिस्टिक या टूथपिक का यूज़ करके चिक की स्किन पर आपने रबिंग किया था, उस पोर्शन को आपको क्या करना है, प्लेस इट इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर। पानी की एक दो जो बूंद आपने अलग से ली, उसमें उसको इस तरह से आपको मिला देना है। ऑन अ ग्लास स्लाइड, ग्लास की स्लाइड ली थी आपने इस तरह की, उस ग्लास की स्लाइड पर पहले से ही आपने एक दो बूंद पानी की डाली हुई थी। जब आपने टूथपिक से या मैजिस्टिक से चिक की स्किन पर इस तरह से रबिंग किया, उस पोर्शन को हमने इस वाटर में इस तरह से मिला दिया, उससे क्या होगा कि जो भी सेल्स उस टूथपिक में स्टिक हुई है, आई हैं, वो सेल्स आपके इस लिक्विड में, इस वाटर में चली जाएंगी। नाउ एड ड्रॉप ऑफ आयोडीन एंड प्लेस अ कवर स्लिप ओवर इट। उसके बाद हमने उसमें एक बूंद केवल आयोडीन सॉल्यूशन की डाल दी और उसके ऊपर हमने कवर स्लिप लगा दिया और कवर स्लिप से उसको हमने पूरा पैक कर दिया। अल्टरनेटिवली एड 1-2 ड्रॉप ऑफ मिथाइल ब्लू सॉल्यूशन। इफ़ यू डोंट हैव आयोडीन सॉल्यूशन तो हम चाहें तो इसमें मिथाइल ब्लू सॉल्यूशन भी डाल सकते हैं। ये क्यों डाला गया है, इट इज़ ओनली फॉर गिविंग द कलर टू द सेल। सेल्स को कलर देने के लिए डाला गया है ताकि हम उसे और क्लियर तरीके से देख सकें। तो यहाँ पर आप चाहें तो आयोडीन की एक बूंद डाल दीजिए या फिर मिथाइल ब्लू सॉल्यूशन की एक बूंद डाल दीजिए। ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप, यू मे नोटिस सेवरल सेल्स इन द स्क्रेप्ड मटेरियल। जो भी स्क्रेप मटेरियल आपकी टूथपिक में आया था, उसको जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको इस तरह की बहुत सारी चिक सेल्स जो होती हैं वो माइक्रोस्कोप में दिखाई देगी। यू कैन आइडेंटिफाई द सेल मेम्ब्रेन, द साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, द सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। जब आप इसको प्रॉपर तरीके से देखोगे और बड़ा करके या फिर एक सिंगल सेल पर आप जब ध्यान दोगे, सो यू कैन सी। अब सपोज यदि मैं इस सेल के ऊपर ध्यान दूँ, इसको मैंने और ब्रॉड करके देखा तो ये पूरी सेल मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है। ये सेंटर में देखिए मुझे थिक स्ट्रक्चर न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है और ये चारों ओर भरा हुआ है इसमें साइटोप्लाज्म जिसके अंदर ऑर्गेनेल्स हैं, लेकिन मुझे साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन क्लियर दिखाई दे रही है। बट इट डज़ नॉट कंटेन सेल वॉल, यानी कि जो आप ये जो लेयर है, क्या थिक लेयर दिखाई दे रही है क्या आपको चारों ओर? नहीं, थिक लेयर नहीं है तो इसका मतलब ये केवल एक सेल मेम्ब्रेन ही है। और यदि चारों ओर लेयर बहुत थिक है, इसका मतलब मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल भी कवर है। ओके, सो दिस इज अबाउट द ह्यूमन चिक सेल। नाउ विल टॉक अबाउट साइटोप्लाज्म। अबाउट मेम्ब्रेन ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, मेम्ब्रेन का मेन काम होता है अंदर के मटेरियल्स को बाहर की ओर ले जाना, आउटवर्ड करना, और बाहर के मटेरियल्स को सेल्स के अंदर की ओर लाना। व्हाई इट हैपेंस, बिकॉज मेम्ब्रेन इज अ पोरस। मेम्ब्रेन कैसी होती है, पोरस, थिन और पोरस होती है, जिससे कि मटेरियल्स इजीली मूव इन और मूव आउट हो जाते हैं। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो उस पर्टिकुलर सेल को शेप भी देती है। यदि मेम्ब्रेन स्क्वायर फॉर्म में है तो सेल आपकी स्क्वायर रहेगी, वो राउंड फॉर्म में है तो सेल का शेप राउंड रहेगा, हेक्सागोनल है तो हेक्सागोनल रहेगा, ठीक है, ब्रांचेस की फॉर्म में है तो वो ब्रांचेस रहेगा। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो किसी भी सेल को शेप देती है। नाउ विल टॉक अबाउट साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो कि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है। यू कैन सी ये जो आपको पर्पल पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये पर्पल पार्ट तो होता है सेल वॉल, जो कि केवल प्लांट सेल्स में होती हैं। उसके बाद ये जो आपको येलो लाइन नज़र आ रही है, ये होती है सेल मेम्ब्रेन, जो कि एनिमल सेल में भी होती है, प्लांट सेल में भी होती है, ठीक है। उसके बाद ये जितना भी आपको ब्लू, लाइट ब्लू पार्ट नज़र आ रहा है ना, ये पूरा लाइट ब्लू पार्ट होता है दिस साइटोप्लाज्म।
और इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे अलग अलग आपको पार्ट्स नजर आ रहे होंगे. दीज आर ऑल ऑर्गेनेल्स, बट इन दिस टॉपिक वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली साइटोप्लाज्म. तो हम उसी के बारे में बात करते हैं. इट इज़ द जेली लाइक सब्सटेंस. कैसा होता है ये? जेली देखिए ना, जेली की तरह होता है ये. प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है. वो बात अलग है कि न्यूक्लियस जो होता है इट इज़ सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. वेरियस अदर कंपोनेंट्स और वी कैन से ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. और दूसरे ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, दूसरे कंपोनेंट्स जो होते हैं, वो इसी साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं. एंड सम नेम्स आर देयर लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स एसेट्रा एसेट्रा. केवल यही नहीं होते हैं, और भी दूसरे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं. इसके बारे में हम और स्टडी कर लेंगे. वैसे आपके इस चैप्टर के अंदर बहुत डिटेल में नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैंने कुछ कुछ इसके बारे में सारी पिक्चर्स को डाला है, तो आप कुछ कुछ तो इसके बारे में अभी इस चैप्टर में स्टडी कर लेंगे. यदि आपकी बुक में नहीं है तो आप उसे कॉपी कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा. इफ़ यू वॉन्ट यू कैन ड्रॉ डायग्राम ऑल्सो, क्योंकि मैंने डायग्राम भी इसके अंदर डाले हैं. ठीक है? यस, यू कैन सी डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम्स आर देयर. पहले तो हमने इसके बारे में बात करी, साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के बारे में समझ में आ गया होगा कि साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन के बीच में होता है, और इसी साइटोप्लाज्म में सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं. आई थिंक इट्स क्लियर ना? चलिए अब हम बात करते हैं अलग अलग ऑर्गेनेल्स के बारे में. इन योर बुक इट इज़ नॉट मेंशन इन अ डिटेल. जितना मुझे आता है मैं आपको सारा इसके बारे में बता देती हूँ. एंड इफ़ यू वॉन्ट यू कैन राइट डाउन ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस वन ऑल्सो. उसके बाद यदि कुछ भी क्वेरी होती है वो पूछ लेना मुझसे आप, कुछ छूट गया हो तो वो भी पूछ लेना आप मुझसे. एट फर्स्ट आई विल टेल यू अबाउट वन ऑर्गेनेल, इट्स माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, चलिए. जितेश मुझसे पूछ रहे हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ कवर स्लिप. कवर स्लिप क्या होती है? एक्चुअली क्या होता है बेटा, जब आप हेल्थ क्लासेस में जाओगे ना, देन यू विल सी दिस कवर स्लिप. जब आप माइक्रोस्कोप के साथ में वर्किंग करोगे, व्हेन यू विल गो इन 11th क्लास ना, देन यू विल सी दिस माइक्रोस्कोप. इसमें वैसे 10th क्लास में भी दिखा देते हैं आई थिंक. उसमें क्या होता है कि एक तो होती है आपके पास कांच की बनी हुई, ग्लास की बनी हुई स्लाइड. इस तरह का उसका साइज होता है, रेक्टेंगल शेप. तो इसको तो हम बोलते हैं स्लाइड. क्या बोलते हैं इसको हम? स्लाइड. अब आपको जिसको भी माइक्रोस्कोप में देखना है उसके उसको इसमें लिया जाता है, उसमें लिक्विड डाला जाता है, कलर डाला जाता है, स्ट्रेन, ताकि हम उसे और अच्छी तरह से देख सकें. और उसके बाद उस चीज़ को क्या करते हैं, प्लास्टिक की बनी हुई, एक प्लास्टिक की बनी हुई कवर स्लिप होती है, यानी कि एक प्लास्टिक का मटेरियल होता है इस तरह का स्क्वायर शेप में. और यही स्क्वायर प्लास्टिक को इस मटेरियल के ऊपर जो आपने स्लाइड में डाला है, इस तरह से उस मटेरियल को, इस कवर स्लिप को इसके ऊपर डाल दिया जाता है धीरे से, जिससे क्या होता है कि वो मटेरियल जो होता है उस कवर स्लिप के थ्रू ईजीली आसानी से पैक हो जाता है, ताकि वो इधर उधर मूव नहीं करेगा. अब जब आप इसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखोगे तो कवर स्लिप में जो भी मटेरियल, जो भी आपने इसमें देखने के लिए रखा है, वो आपको क्लियरली विजिबल होगा. वो उस मटेरियल को या उस लिविंग बीइंग को, जो भी आप देखना चाहते हैं, वो उसे उधर इधर उधर मूव नहीं होने देगा, और आप उसे क्लियर तरीके से देख पाएंगे. तो ये प्लास्टिक की बनी हुई स्क्वायर शेप की होती है, जिसको हम बोलते हैं कवर स्लिप. ठीक है ना? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया इज एन ऑर्गेनेल विच इज़ फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है. दिस इज़ द साइटोप्लाज्म ना. इसमें आप देखिएगा, ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ना, ये रेड रेड, ये सब माइटोकॉन्ड्रिया हैं. ऐसा नहीं है कि केवल एक सेल के अंदर एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एक सेल के अंदर कई माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं. और ये माइटोकॉन्ड्रिया पता है इनकी स्पेशलिटी होती है, यदि रिक्वायरमेंट है कि ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होने चाहिए सेल्स में, तो ऑटोमेटिकली माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे बन जाते हैं. यदि रिक्वायरमेंट नहीं है कि सेल्स में ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होने चाहिए, तो ऑटोमेटिकली माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं. ये इनकी स्पेशलिटी होती है. और ऐसा कब होता है, कब बढ़ते हैं और कब घटते हैं, ये मैं आपको टॉपिक को एक्सप्लेन करने के बाद बताती हूँ. जब हम इसको ओपन करके देखेंगे, वो क्लोज फॉर्म था. व्हेन यू विल ओपन दिस माइटोकॉन्ड्रिया, तो आपको अंदर इस तरह की स्ट्रक्चर नज़र आ जाएगी,
और क्या देख रहे हैं आप इसके अंदर, देयर आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। इस तरह के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होते हैं वो हमको देखने के लिए मिल रहे हैं इसके अंदर। इट इज़ कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें क्या क्या नज़र आ रहा है आपको, इनर मेम्ब्रेन होती है ये इसकी, और ये होती है इसकी आउटर मेम्ब्रेन। एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसको एक नाम दिया गया है, अभी इतना डिटेल में नहीं बताऊंगी आपको मैं कि मैं इसके ग्रेन्यूल्स, क्रिस्टी, राइबोसोम्स इन सबको समझाऊँ मैं। मेन थिंग्स आई एम टेलिंग यू हियर अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए इसमें क्या क्या होता है, पहली बात तो ये कि इसको एक नाम दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया को, क्या बोला गया है इसको, इट इज़ कॉल्ड पावर हाउस। यस, इसे पावर हाउस कहा जाता है, लिखते जाइएगा इन टू एंड, इट इज़ कॉल्ड पावर हाउस। क्यों बोलते हैं इसको पावर हाउस, क्योंकि इसका मेन काम होता है जो भी एनर्जी बनती है उस एनर्जी को ये स्टोर करने का काम करता है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस माइटोकॉन्ड्रिया, सेल्स में जो भी एनर्जी बनती है, इन सेवन्थ क्लास आई टोल्ड यू इन रेस्पिरेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, उस चैप्टर में मैंने आपको समझाया था कि जब आपका फूड एब्जॉर्ब हो जाता है और वो फूड कहाँ जाता है, ब्लड के थ्रू आपकी सेल्स में जाता है डाइजेस्टेड फूड, और जब आप ब्रीदिंग करते हैं तो ये ऑक्सीजन भी क्या होती है, लंग्स से होती हुई एल्वोलाई तक जाती है, और एल्वोलाई से ब्लड में मिक्स होकर के या हीमोग्लोबिन के साथ में मिक्स होकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, और ये ऑक्सीजन उस हीमोग्लोबिन के साथ ब्लड के थ्रू उन्हीं सेल्स तक आ जाती है। अब उन सेल्स में क्या होता है, ये ऑक्सीजन उस फूड को ऑक्सीडाइज कर देते हैं एंड दे फॉर्म एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और यही एनर्जी हमारी बॉडी को प्रॉपर वर्क करने में काम आती है। ठीक है, अब मान लीजिए आपने आज इतना अच्छा खाना खाया है, इतना न्यूट्रिशन वाला खाना खाया है कि आपकी बॉडी में या सेल्स में बहुत सारी एनर्जी का प्रोडक्शन हो गया है। आज आपने खूब ड्राई फ्रूट्स खा लिए, हेल्दी न्यूट्रिशन ले लिया है, सैलड भी खा लिया है, आपने कर्ड भी ले लिया है, दाल भी खा ली है, यानी कि पूरा एक बैलेंस डाइट वाला खाना खाया है। अब उसमें न्यूट्रिशन जो है बहुत सारा है तो एनर्जी भी बहुत सारी बनेगी, क्योंकि बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाएगा तो फूड का जितने भी ऑक्सीडेशन होगा तो एनर्जी बहुत सारी बन रही है। लेकिन जितनी एनर्जी आपकी बॉडी में बनी है, सेल्स में बनी है, उतना आपने काम नहीं करा है। आपने सिर्फ दिन भर में कितना काम करा है, आधी एनर्जी जितनी लगेगी उतना काम करा है, बाकी आधी एनर्जी का क्या होगा। तो वो जो रिमेनिंग एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, वो एनर्जी इस माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाती है, इसीलिए इसको हमने क्या नाम दिया है, पावर हाउस। इट स्टोर्स एनर्जी, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड पावर हाउस। अब ये किसकी तरह काम करता है, यू नो इट एक्ट एज अ बैंक, ये एक बैंक की तरह काम करता है। कैसे, जैसे हमारे पास सैलरी आती है, पैसा आया है, अब उसमें से कुछ मनी को तो हमने यूज़ में ले लिया, लेकिन जो बाकी बचता है उसको हम बैंक में क्या कर देते हैं, बैंक में हम सेविंग के तौर पर रख देते हैं। बट वैन वी रिक्वायर वी विड्रॉल दिस मनी, जब भी ज़रूरत होती है तो उस मनी को हम वापस बैंक से विड्रॉल करवा लेते हैं। द सेम थिंग इज़ हियर, जितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाती है, और जब भी आपको एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत है, मान लीजिए आज आप बहुत हार्ड वर्क करने वाले हैं, यू नीड मोर एंड मोर एनर्जी, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जिसने एनर्जी को स्टोर करके रखा है वो आपको वो एनर्जी दे देगा, एंड यू कैन डू वेरी हार्ड वर्क टूडे। आज आप एक्स्ट्रा वर्क भी कर लेंगे जबकि आपने खाना उतना ही खाया है। ओके, तो यहाँ पर ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो किस तरह काम कर रहा है, इट इज़ वर्किंग एज अ बैंक, वो बैंक की तरह काम करता है, इसलिए हम इसे पावर हाउस बोलते हैं, एनर्जी का पावर हाउस। एक और बात, इसमें जो एनर्जी होती है वो स्टोर होती है, किस फॉर्म में स्टोर होती है, इट इज़ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP। यस, ATP की फॉर्म में वो स्टोर होती है। नाउ यू विल थिंक व्हाट इज़ ATP। ATP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोलते हैं इसको हम, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस मॉलिक्यूल की फॉर्म में ये, इस फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में ये एनर्जी जो होती है वो स्टोर हो जाती है। इसके अलावा AMP भी होता है, ATP यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एक होता है AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, टी मीन्स ट्राई एंड एम मीन्स मोनो, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट,
इन दो फॉर्म में ये एनर्जी स्टोर होती है एंड व्हेन वी रिक्वायर तो ये एनर्जी हमें मिल जाती है। आई बात समझ में? इसीलिए इसको हमने क्या नाम दिया है, पावर हाउस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल अबाउट दिस वन, समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए और भी बताया गया कि इसमें डीएनए भी होते हैं, राइबोसोम्स भी होते हैं। डू यू नो डीएनए? डीएनए की फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोन्यूक्लिक एसिड। केवल डीऑक्सी वर्ड को यहाँ से हटा दिया जाता है, ठीक है। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इन डीएनए आरएनए जो जेनेटिक कोड होते हैं ये इनका फॉर्मेशन भी वो भी यहाँ पर बनते हैं। तो आपको केवल इतना लर्न करना है, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस बिकॉज इट स्टोर द एनर्जी एज अ बैंक, ओके, एंड एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड एएमपी। इतना आपको ध्यान रखना है, दिस इज इनफ अबाउट दिस माइटोकॉन्ड्रिया, क्लियर। इफ़ यू एनी डाउट अबाउट दिस वन यू कैन आस्क मी। वैसे तो बेटा बहुत ज़्यादा ब्रॉड स्केल पर इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है, वेन यू विल गो इन हायर क्लासेस ना तब इसको बड़े ब्रॉड स्केल पर समझाया जाएगा, तो आपको एटलीस्ट कुछ इन्फॉर्मेशन तो पता रहेगी कि माइटोकॉन्ड्रिया किस बला का नाम होता है। ओके योजश, इफ़ यू वॉन्ट यू कैन गो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। आपको आगे का पढ़ना है तो आप ऑफलाइन क्लासेस को देख लीजिएगा। नो वन इज आस्किंग मी एनी क्वेरी, इट मीन्स ऑल द थिंग्स आर क्लियर। इफ यू एनी क्वेरी यू कैन राइट डाउन बेटा, ना कमेंट बॉक्स में डाल देना। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो होते हैं ये भी किसमें, साइटोप्लाज्म में होते हैं। ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, यू कैन सी दिस इज द डायग्राम ऑफ राइबोसोम। ऐसे राइबोसोम्स होते हैं जो बहुत सारे साइटोप्लाज्म में ऐसे ही मूव करते रहते हैं। राइबोसोम्स जो होते हैं वो दो जगह पर होते हैं, एक तो वो साइटोप्लाज्म में ऐसे पड़े हुए रहते हैं, इसके अलावा वो एक और ऑर्गेनेल होता है जिसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हम आगे पढ़ेंगे। वो क्या करता है, उसके ऊपर भी ये लगे हुए होते हैं बहुत सारे राइबोसोम्स, ओके, दो जगह पर होते हैं ये। अब ये जो राइबोसोम्स होते हैं नॉर्मली इनका काम क्या होता है, दे सिंथेसाइज प्रोटीन। इनका मेन काम होता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। क्या करते हैं ये, प्रोटीन सिंथेसाइज प्रोटीन को बनाने का काम करते हैं, और ये काम किसके थ्रू होता है, राइबोसोम्स के थ्रू। अब देखिए हमको जब प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, ये तो आपको मालूम है प्रोटीन इज़ वेरी वेरी असेंशियल फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ आर बॉडी। अब ये प्रोटीन कैसे बनता है, ये प्रोटीन राइबोसोम्स की वजह से बनता है, ठीक है। आफ्टर दिस नाउ विल टॉक अबाउट नेक्स्ट ऑर्गेनेल। नेक्स्ट ऑर्गेनेल होता है लाइसोसोम। क्या बोलते हैं इसको हम, लाइसोसोम। ये कुछ इस तरह का होता है, चारों ओर इसकी मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, और ये होता है इसका ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, और ये होता है इसका हाइड्रोलिक एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर। एक्चुअली लाइसोसोम्स जो होते हैं ना, इन लाइसोसोम्स को, एक मिनट, ओके, ये जो लाइसोसोम्स होते हैं ना, इनको एक और नाम से बोला जाता है, इनको हम कहते हैं सुसाइडल बैग्स। यस, लाइसोसोम्स ना, दीज आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स, आत्मघाती थैले, मिस आत्महत्या का घर भी बोला जाता है इनको, आत्महत्या वाले थैले भी बोला जाता है। क्यों, एक्चुअली दे कंटेन्स एंजाइम इनसाइड दिस, इनके अंदर एंजाइम्स होते हैं। और ये कैसे वर्क करते हैं, देखिए इसमें क्या होता है कि ये एंजाइम्स जो होते हैं ऑटोमेटिकली बाहर निकलते हैं इनमें से, इन जगहों से, और ये एंजाइम्स बाहर निकल के जो भी ऑर्गेनेल डाइजेस्ट हो जाता है यानी कि मर जाता है, सपोज़ ये ऑर्गेनेल है ये मर चुका है, तो क्या होगा कि इस लाइसोसोम्स में से क्या होंगे, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स बाहर निकलेंगे, इस तरह से ये बाहर निकलते हैं और ये इन पार्टिकल्स को अपने अंदर ले लेते हैं और उसे कम्प्लीटली डाइजेस्ट कर देते हैं, यू कैन सी ना। तो ये क्या हो रहा है, इन लाइसोसोम्स की जो ये आउटर सरफेस है, मेम्ब्रेन है, उनमें से ये जो ट्रांसपोर्ट होते हैं ये वाले एरिए, इन जगहों से ये एंजाइम्स बाहर आते हैं
और जो भी डेड पार्ट पड़ा हुआ होता है सेल में, वो उसको अंदर अपने अंदर लेकर के पूरा डाइजेस्ट कर देते हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि लाइसोसोम क्या कर रहा है, अपनी सेल को पूरा क्लीन करके रखता है भाई, ठीक है, और ये डाइजेस्ट करने का काम करता है। पर लेकिन इसको हमने सुसाइडल बैग्स क्यों बोला है, यहाँ तो ये अच्छा काम कर रहा है, हमारी सेल्स को क्लीन कर रहा है ये। बट वाई इट इज़ कॉल्ड सुसाइडल बैग्स, इसको सुसाइडल बैग्स इसलिए बोलते हैं, एक्चुअली क्या होता है कि देखिए हमारी बॉडी में जो सेल्स होती हैं वो सेल्स बनती भी रहती हैं, लैक्स लाखों में बनती है और लाखों में डिस्ट्रॉय भी होती रहती है, मरती भी रहती हैं। तो अब ये जो डेड सेल्स होती हैं, अब आप सोचो हमारी बॉडी के अंदर कितनी लाखों सेल्स बनती है और डिस्ट्रॉय होती रहती हैं। अब मान लीजिए जितनी भी डेड सेल्स जो हमारी बॉडी में, वो तो इकट्ठी होती जाएंगी और एक बहुत बड़ा गार्बेज बन जाएगा हमारी बॉडी के अंदर तो सेल्स का। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, इससे बचने के लिए क्या करेंगे हम कि ये जो लाइसोसोम होता है, जब पूरी सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती है यानी कि मर जाती है, तो मरने के बाद में क्या होता है कि ये सारे एंजाइम्स को मेम्ब्रेन से बाहर छोड़ने लग जाती है और ये पूरा लाइसोसोम जो होता है ये पूरी सेल को ही डाइजेस्ट कर जाता है। क्या करता है, ये पूरी सेल को ही डाइजेस्ट कर जाता है। लेकिन वो कब करता है ऐसा, जब ये सेल पूरी तरह से डेड हो जाती है यानी कि मर जाती है, तब ये लाइसोसोम ऑटोमेटिकली सारे एंजाइम्स को बाहर निकाल देता है और पूरी सेल को वो डाइजेस्ट कर देता है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर इन डेड सेल्स का गार्बेज जो होता है ना वो इकट्ठा नहीं होता है। तो सोचो कितना बढ़िया फंक्शन बना हुआ है इसके अंदर कि इन डेड सेल्स का हमारी बॉडी में गार्बेज भी नहीं बन रहा है और यही पूरी सेल्स को पूरी तरह से डाइजेस्ट करके ख़त्म भी कर देता है और पूरा गायब कर देता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड सुसाइडल बैग्स, इसीलिए इनको हमने सुसाइडल बैग्स का नाम दिया है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो मेन बात क्या होती है इसके अंदर, दे हैव डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इनके अंदर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। दे कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो मेन बातें हैं बेटा वो बता रही हूँ आपको, दैट्स इनफ फॉर यू, इतना काफ़ी समझने के लिए अभी। तो लाइसोसोम्स जो होते हैं, दीज आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स, दे कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, दे डाइजेस्ट ऑल डेड पार्ट्स ऑफ द सेल्स, बट वेन सेल डेड, जब सेल मर जाती है, सो दे रिलीज आउट ऑल द डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड दे डाइजेस्ट होल द सेल, वो पूरी सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। एंड दिस इज द फंक्शन ऑफ दिस लाइसोसोम, समझ में आ गया होगा। सो दीज आर ऑल अबाउट दिस थ्री, आई हैव टोल्ड यू अबाउट थ्री ऑर्गेनेल्स, माइट्रोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम एंड लाइसोसोम। इसका यहाँ पर ये वर्किंग दिया हुआ है कि किस तरह से इन ट्रांसपोर्ट पार्ट से डाइजेस्टिव एंजाइम्स बाहर निकलते हैं और वो सेल्स में प्रेजेंट जो डाइजेस्ट यानी कि डेड पार्ट होता है, उस डेड पार्ट को वो डाइजेस्ट कर जाते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी इन दीज थ्री ऑर्गेनेल्स यू कैन आस्क मी, अदरवाइज आई विल कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक। यस, जितेश के बाद किसी ने कुछ क्वेरी नहीं करी है, इट मीन्स नो वन हैज एनी क्वेरी ऑन यूट्यूब। समवन इज राइटिंग समथिंग, यूट्यूब में तो कभी कोई प्रॉपर कमेंट डालता ही नहीं है, इसलिए बेटा मैं कभी भी ना यूट्यूब की कमेंट्स को देखना पसंद ही नहीं करती हूँ, बिकॉज यू नेवर आस्क एनी क्वेरी, सिर्फ फालतू बकवास चलती है तुम लोगों की। अमृत, डू यू हैव एनी क्वेरी बेटा, इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। चलिए, इट मीन्स नो वन हैज एनी क्वेरी, देखती हूँ कितना रिप्लाई करोगे। नाउ आई विल टेक ओनली वन मोर टॉपिक एंड देन आफ्टर आई विल आस्क क्वेश्चन आंसर्स, ओके। चलिए, नेक्स्ट जो ऑर्गेनेल है वो है गोल्जी बॉडी। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ये क्या होती हैं, ये पूरी फनल होती हैं, इस तरह की पाइपलाइंस होती हैं जो आपस में इस तरह से कर्व बना के जुड़ी हुई होती हैं, यानी कि वेसल्स होती हैं। क्या हैं ये, दीज आर ऑल वेसल्स, और ये वेसल्स इस तरह से अरेंज होती हैं, क्लियर। और ये जो आपको आसपास नज़र आ रहे हैं ना, ये सब क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, यानी कि इसके आसपास थोड़े बहुत राइबोसोम पड़े हुए हैं, किसमें, साइटोप्लाज्म में। अभी गोल्जी बॉडी क्या होता है, यू नो गोल्जी बॉडी जो होता है उसका भी एक नाम होता है,
इट इज सेड पोस्ट ऑफिस. गोल्जी बॉडी को पोस्ट ऑफिस भी बोला जाता है. क्यों बोला गया इसको पोस्ट ऑफिस? पोस्ट ऑफिस इसलिए बोला गया क्योंकि ये कई चीज़ों का सिंथेसाइज करता है, कई सारे केमिकल्स को ये बनाता है. ये प्रोटीन सिंथेसाइज भी करता है राइबोसोम की तरह. इसके अलावा और भी कई सारे जो केमिकल्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको बनाने का काम भी कौन करता है? गोल्जी बॉडी. तो मेन बात ये है कि कई सारे एंजाइम्स हो गए, न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन है, और भी अदर केमिकल्स होते हैं, उनको बनाने का काम करता है कौन? गोल्जी बॉडी. और उसको वो अपने अंदर स्टोर करके भी रखता है. ठीक है, तो अपने अंदर स्टोर करके रख रहा है और बना भी रहा है. दैट्स वाई इट इज़ सैड टू बी अ पोस्ट ऑफिस. इसलिए इसको पोस्ट ऑफिस नाम भी दिया गया है. तो यहाँ आप इसके फंक्शन के बारे में लिख लीजिएगा. सिंथेसाइज सिंथेसाइज प्रोटीन एंजाइम्स. ये एंजाइम्स क्यों काम आते हैं? एंजाइम्स जो कि अलग अलग तरह से डाइजेशन में काम में आते हैं, तो अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग एंजाइम्स होते हैं. तो उसका फॉर्मेशन कौन करता है? गोल्जी बॉडी. एंड इसके अलावा अदर जो केमिकल्स होते हैं वो भी कौन बनाता है? एंड अदर केमिकल्स ऑल्सो, दीज आर ऑल्सो फॉर्म्ड बाय, प्रिपेयर्ड बाय गोल्जी बॉडी एंड स्टोर्ड ऑल्सो इन द गोल्जी बॉडी. इन वेसल्स के अंदर इनको स्टोर करके रखा जाता है और जब भी रिक्वायरमेंट होती है तो उसको रिलीज आउट किया जाता है. सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड पोस्ट ऑफिस. लास्ट वो देख लेते हैं हम इसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दिस इज ऑल्सो अनादर ऑर्गेनेल जो किस में होता है? साइटोप्लाज्म में. फोर्थ वन, दिस इज द फिफ्थ वन ऑर्गेनेल. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसके अंदर भी गोल्जी बॉडी की तरह वेसल्स होती हैं, थोड़ा अरेंजमेंट अलग होता है. इसमें एक्चुअली क्या होता है कि ये दो तरह का होता है. एक तो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ER भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में? ER. ये दो तरह का होता है, एक होता है RER और एक होता है SER. अब इसका मीनिंग क्या होता है? R का मीनिंग होता है रफ, ROUGH रफ, और S का मीनिंग होता है स्मूथ, SMOOTH स्मूथ. देर आर टू टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि जो इतना इतना पोर्शन है ना, इसको हम बोलते हैं RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्यों? यू कैन सी ना सम ग्रैन्यूल्स, स्मॉल स्मॉल से दाने आपको नजर आ रहे होंगे इसमें पूरे चारों तरफ. एक्चुअली दीज आर राइबोसोम्स. यस, ये जो दाने हैं ना, ये क्या देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये जो ग्रैन्यूल्स होते हैं यानी कि जो दाने हैं, ये दाने एक्चुअली क्या हैं? राइबोसोम्स होते हैं. ये राइबोसोम्स होने की वजह से इसकी सरफेस कैसी हो गई है? रफ हो जाती है. इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और ये वाला जो पोर्शन है इसमें आपको कुछ ऐसे ग्रेनुलर्स दिखाई दे रहे हैं कि दाने दाने? नहीं, ये बिल्कुल स्मूथ होता है विदाउट राइबोसोम. इसलिए इसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो ये दो पार्ट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. फर्स्ट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड अनादर इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. मीन्स जो रफ पार्ट होता है इट कंटेन्स राइबोसोम्स एंड डज नॉट कंटेन राइबोसोम. आपको स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि राइबोसोम्स जो होते हैं वो किसमें? साइटोप्लाज्म में ऐसे ही मूव करते रहते हैं, पड़े हुए रहते हैं और क्या करते हैं वो? प्रोटीन सिंथेसिस. राइबोसोम जो होते हैं वो एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक दूसरे ऑर्गेनेल में भी, यानी कि इस ऑर्गेनेल में भी वो बहुत सारे लगे हुए होते हैं और यहाँ पर भी क्या करते हैं? ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं. तो इनका काम भी सेम कैसा होता है? इन्हीं की तरह होता है. ये भी क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, अदर न्यूट्रिएंट्स है, काफ़ी चीज़ों का ये भी क्या करते हैं? सिंथेसाइज करते हैं. तो कुल मिला के आप नॉर्मली क्या बोलेंगे कि इनका भी मेन काम होता है सिंथेसाइज करना. क्या करते हैं ये भी? सिंथेसाइज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सिंथेसाइज ऑफ अदर केमिकल्स ऑल्सो. ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग जो होते हैं वो अलग अलग फंक्शन को फॉलो करते हैं. क्लियर? सो आई हैव टोल्ड यू अबाउट 5 ऑर्गेनेल्स. नाउ आई विल आस्क सम क्वेश्चंस. अब कुछ क्वेश्चंस के आपको मुझे रिप्लाई करना है एंड नो वन इज आस्किंग मी एनी क्वेरी. मैं देख लेती हूँ फिर भी कमेंट में. हाँ बेटा, जैसे ही क्वेश्चन पूछने का नंबर आया ना, सबने क्वेरी करना शुरू कर दी. अब मैं आपकी क्वेरी का रिप्लाई करूँ या क्वेश्चन पूछूँ? अब आपको सोचो. विच एंजाइम इज फाउंड इन राइबोसोम? बेटा राइबोसोम में एंजाइम नहीं होता है.
अब सारी क्वेरी बताने में टाइम निकल जाएगा, क्वेश्चन अब कल पूछूंगी मैं इसके, ठीक है? जितनी भी क्वेरी है पूछ लो आज, बिकॉज एट द एंड ऑफ ऑल ऑर्गेनेल्स, और भी ऑर्गेनेल्स हैं अभी नहीं है, न्यूक्लियस तक आखिरी है, दीज आर ऑर्गेनेल्स। उसके बाद मैं आपसे बेटा क्वेश्चन पूछूंगी, राइबोसोम में कोई एंजाइम्स नहीं होते हैं, राइबोसोम्स का मेन काम होता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, ठीक है? प्रोटीन बनाते हैं ये। आकांक्षा भी पूछती हूँ मैं क्वेश्चन, एक्सप्लेन राइबोसोम्स अगेन। राइबोसोम्स जो होते हैं ना बेटा, दीज आर ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर, स्मॉल स्मॉल होते हैं, ये साइटोप्लाज्म में ही पाए जाते हैं, इसके अलावा एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के ऊपर भी पाए जाते हैं। इनका मेन काम होता है प्रोटीन सिंथेसाइज करना, दैट्स ऑल, इतना सा आपको केवल लर्न करना है इसके बारे में। राइबोसोम अगेन, माय नेम इज़ आदित्य, ओके ना? जितनी समझ गई मैं, आदित्य। एक्सप्लेन गोल्जी बॉडी। अब गोल्जी बॉडीज जो होते हैं वो क्या करते हैं, दिस इज़ द गोल्जी बॉडी, ये एक तरह से पोस्ट ऑफिस की तरह काम करते हैं, ये कई केमिकल्स, एंजाइम्स, प्रोटीन, अदर न्यूट्रिएंट्स इनको सिंथेसाइज करते हैं, यानी कि इनको बनाते हैं और अपने ही अंदर अपनी वेसल्स में इनको स्टोर करके रखते हैं, इसीलिए स्टोर करने की वजह से इनको हमने पोस्ट ऑफिस का नाम दिया है, ओके? नाउ आई थिंक इट इज़ क्लियर ना? अब बेटा टाइम तो ओवर हो गया, 23 हो चुका है, ठीक है? फिर भी मैं एक दो क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। आई एम राइटिंग सम क्वेश्चंस हियर, यहाँ क्वेश्चन लिखती हूँ मैं। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, अनादर नेम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन, फटाफट रिप्लाई करना। सेकंड क्वेश्चन, टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नेम ऑफ टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर आपको दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम बताना है। माय थर्ड क्वेश्चन इज, इन माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी एनर्जी इज स्टोर्ड इन विच फॉर्म, स्टोर्ड इन विच फॉर्म मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में स्टोर की जाती है। जस्ट गिव मी रिप्लाई ऑफ दीज थ्री क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है अनादर नेम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, टू टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उनके नाम बताने हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी जो होती है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है। चलिए फटाफट मुझे आंसर्स मिलने लग गए हैं। क्वेश्चन नंबर वन का आंसर जो होता है वो किसने दिया है, मुझे आकांक्षा ने दिया है, पावर हाउस ऑफ द सेल, वेरी गुड, यस आकांक्षा, वेरी नाइस। मनीषा ने भी पावर हाउस बोल दिया है, आदिश्री तो वापस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पूछ रही है। चलिए आकांक्षा ने मुझे सेकंड का रिप्लाई किया, स्मूथ एंड रफ, यस बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ ईआर होता है उसमें राइबोसोम्स नहीं होते हैं, स्टिक नहीं होते हैं, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स लगे हुए होते हैं। एंड आदिश्री बेटा उसका काम भी सिंथेसाइज करना ही होता है, जिस तरह से गोल्जी बॉडीज कई तरह के न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, एंजाइम को सिंथेसाइज करते हैं, ऐसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रोटीन और अदर मटेरियल्स को सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है? यूजर्स ने भी मुझे रिप्लाई किया है, पावर बैंक, पावर ऑफ सेल, ठीक है, पावर बैंक बोलेंगे बेटा, पावर बैंक ऑफ सेल। मनीषा ने भी मुझे क्वेश्चन नंबर टू का सही रिप्लाई करा, आदिश्री ने भी, आकांक्षा ने रिप्लाई करा ATP, वेरी गुड, मनीषा ने भी लिखा ATP AMP, यस। यहाँ पर एनर्जी जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में वो ATP और AMP की फॉर्म में स्टोर होती है, और ये लेटर आपको कैपिटल फॉर्म में लिखने हैं बेटा, हमेशा शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखने हैं, ठीक है? विच एंडेमिक रेटिकुलम हैव राइजोम्स, राइजोम्स नहीं बेटा राइबोसोम्स होते हैं, आपने तो राइजोम लिख दिया, राइजोम तो बैक्टीरिया का नाम होता है, मैं राइबोसोम्स बोल रही हूँ बेटा, यहाँ पर
राइजोम्स नहीं, ये देखो राइबोसोम्स होते हैं ये। राइबोसोम्स जो होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं और स्मूथ में नहीं होते हैं, ठीक है। RER एंड ACR, ठीक है, इसको बेटा कैपिटल में लिखना, कोई बात नहीं। अभी लिखा आपने, यूजर्स ने मुझे तीनों क्वेश्चंस के रिप्लाई कर दिए, बिल्कुल सही। ऑल आर गिविंग मी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर्स। शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको बेटा ऑर्गेनल्स की इन्फॉर्मेशन दिए, ज़्यादा आपकी बुक में अभी नहीं दिया हुआ है। हायर क्लासेस के हिसाब से उन्होंने अभी बहुत कम दिया हुआ है, मैंने जितना थोड़ा बहुत आपके अकॉर्डिंग मैंने बता दिया है। सो यू हैव टू लर्न दीज थिंग्स, इनको आपको प्रॉपर तरीके से लर्न करना है, आप थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दे पाएंगे। When I'm asking to you explain organelles of a cell, तो आपको short form में हर organelle के जो नाम है वो और उनके क्या function हैं, क्या वो करते हैं, वो आप one line में explain कर सकते हैं। Okay ना, I think it's clear. So we will continue this topic once again and later we'll talk about nucleus. ठीक है, till then जय श्री राम।